हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। एंड जिस दिन मेरा CUET का फर्स्ट एग्ज़ाम था एंड चार पेपर थे एक साथ, फर्स्ट केमिस्ट्री का था। आई वोक अप एट 6:30। मैंने राजमा रात में बॉईल करके रखा था, तो मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई, फिर अपने लिए टिफ़िन पैक करा एंड फिर हम सेंटर पर गए। एंड वहाँ पर गेट ही नहीं खुला था, बट फिर हाँ थैंकफुली खुला। फिर चेकिंग हुई, अंदर एंट्री हुई एंड ये फर्स्ट ब्रेक का है, मैंने रिकॉर्ड करा था। एंड थैंक गॉड फ़ोन्स अलाउड थे, तो बाहर बैठ कर फ़ोन चलाया मैंने, अपना ये लंच करा थर्ड वाले ब्रेक में GT के पहले शायद से। एंड हाँ फिर पापा मुझे लेने आए एंड फिर मैं निकल गई घर के लिए। इतने घंटों बाद मेरा सुबह 10 बजे से स्टार्ट था पहला पेपर एंड ख़त्म हुआ शाम के 6 बजे। एंड हाँ फिर मैं घर निकल गया। नेक्स्ट डे था मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम। हाँ तो इस दिन था मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, जो कि था मेरा सेंटर मेरे घर से 1-2 घंटे दूर। एंड मैं ये सब हरकतें कर रही थी, इस चक्कर में मैं लेट हो गई। मैंने अपना लंच बना रही थी इस दिन भी, मैंने क्या बनाया था, मैंने पोहा बनाया था एंड मैंने वो बनाया था साथ में उत्तपम। एंड उस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई, मतलब लेट मैं जानबूझ कर हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं लेट पहुँच जाऊँगी, बट मैं नहीं पहुँची अपनी इन हरकतों के कारण। मैंने सोचा कि 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगी, पर देखा तो 2 घंटे का टाइम था। बट स्टिल हम लोग जैसे तैसे पहुँचे, इतना ड्रामेटिक सीन था, बट थैंकफुली पहुँच गए। एंड वो सेंटर भी इतना दूर था, इतना गंदा लगता है इस वाले में, इतना दूर सेंटर, ये देखो कौन से जंगल में था, इतना दूर भाई क्या पता नहीं कैसे पहुंच गए लोग। बाकी जिससे सुनो सब बोल रहे थे कैसा सेंटर दे दिया हमें, एकदम पूरे गांव के भी आगे था वो, एक अलग ही दुनिया में था। बट हाँ फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम लोगों ने ये गुलाब जामुन खाया एंड कचौरी भी खाई, क्योंकि मैं बेहोश हो जाती, इतनी भूखी थी मैं ऑलरेडी। एंड फिज़िक्स का पेपर ऐसा था, फिर मैंने जूस पिया एंड फिर हम लोग आ गए घर। हाय गाइस, आई नो बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लिया है इस साल एंड फॉर द 25 and 26 एस्पिरेंट्स देयर इज दिस बैच फ्रॉम नीट प्रेप टारगेट बैच, जिसके अंदर PYQs हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, टारगेट सेटिंग फीचर तक है एंड GPP जनरेटर तक है एंड इसके अंदर हाई यील्ड टेस्ट सीरीज भी है। नॉट ओनली फॉर बायो बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट हैज सो मेनी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Here I'm displaying the first feature, which is the GPP generator, in which you can create a GPP from any topic, कोई भी subject के अंदर, कोई भी topic के अंदर आप topic choose कर सकते हो and उसके अंदर भी एकदम sub topics choose करके आप जिस पर चाहते हो उस पर आपको GPP generate कर सकते हो आप। एंड आप हर टॉपिक से, सब टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग, जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड NCERT की ऑन फिंगर टिप्स हो जाएगी एंड क्वेश्चंस करने में भी इजीली हेल्प होगी। एंड यस, इसके अंदर मैंने जैसे बताया है फ्रॉक के, मैंने सब टॉपिक के क्वेश्चंस चूज करे एंड इसके अंदर 30 questions आते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व द GPP एंड फिर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड देन ई बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, NCERT की ई बुक्स हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, मतलब बॉटनी, जूलॉजी की, एंड देन उसके अंदर सब सारे सब्जेक्ट की एक एक चीज़ की डिटेल में दे रखा है NCERT। एंड देन उसके अंदर हाई यील्ड टेस्ट सीरीज भी है, PYQs भी हैं सारे, सैम्पल पेपर्स मतलब, और जितने भी क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के नीट के, एंड साथ ही साथ जितने भी आपको क्वेश्चन चाहिए सभी अवेलेबल है आप पर। टेस्ट्स हैं सारे टॉपिक्स के, हर टॉपिक के साथ एंड हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे दे रखे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर जैसे कि मैंने एनिमल किंगडम चूज करा है, तो उसके अंदर एकदम बताया भी है रीज़न, मतलब क्यों सही है, मतलब मैंने सारे सही ही करे, मतलब जो गलत गलत रहते हैं उनको आप देख सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन इन NCERT एज वेल एज इन वीडियो फॉर्म और ऑडियो। ज्वाइन द बैच एज सून एज पॉसिबल एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। सही प्रथा। सो एज यू वॉच ऑलरेडी कि मेरी 2 exams थी, 2 दिन एग्जाम्स थी, 5 papers थे मेरे, हाँ मेरे 4 papers एक दिन थे एंड फिजिक्स का नेक्स्ट डे था। ओ माय गॉड, आई यू नो व्हाट, जो सेकंड डे मेरा एग्जाम था फिजिक्स में था एंड वो मेरे घर से 2 घंटे दूर का रास्ता था, महू में था एंड मैं इंदौर में रहती हूँ, महू में भी नहीं था, महू के भी आगे पीतमपुर रोड पर था। तो वहाँ पर हम लोग कितने बजे घर से निकले, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग 1 बजे था, क्लोजिंग गेट टाइमिंग 2:30 था एंड मैं घर से 1:30 निकल ली और 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का नहीं आएंगे, 1 hour 34 minutes का था गूगल मैप्स पे, वो वहाँ से था तो आधा घंटा, हाँ चलो ठीक है मान ले 1 hour 34 minutes का था। एंड मैं 1:30 पे यहाँ से निकल रही हूँ और मैं यहाँ से 1:30 पे मैं यहाँ से निकली एंड गेस वॉट, ओ माई गॉड, और कार भी नहीं थी क्योंकि कार वहाँ पे नानी के घर पर हम छोड़ कर आए हैं एंड मैं इसलिए बस से आई हूँ। एंड हाँ इस वजह से
हम लोग एक घंटे में इतनी फास्ट स्कूटी 60 के ऊपर स्पीड से नहीं जाते हैं, उससे हम लोग महू तक गए। महू के भी आगे, महू गांव में था, वो आगे गांव में भी नहीं था यार, वो प्रीतमपुर रोड पर था, तो मतलब बहुत दूर था। मेरे घर से हम लोग गए, ओ माय गॉड, इतनी स्पीड से पापा रास्ते पर मुझे चिल्लाते गए कि आज के बाद तो जो कि एग्जाम नहीं था, पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो अक्ल ही नहीं आती है, फिर भी इतना सुनाया। हेलमेट पहन रखा था उनने, तो वो तो अच्छा मुझे आधी बातें सुनाई नहीं थी, बस जितनी सुनाई थी बाप रे। बट फिर जैसे तैसे हम लोग पहुंचे, और हम लोग पहुंचे एंड टाइम क्या हो रहा था, 2:48 हो रहा था जब मैं पहुंची सेंटर पर, एंड गेट लगे हुए थे एकदम से, बड़े बड़े लोहे के गेट थे वो से लगे, एंड अचानक से गेट खुलते दोनों ऐसे पीछे से, हवा एकदम से, ड्रामेटिक सीन से लगा मूवी में एंट्री, और एकदम ऐसे दोनों गेट खुलते, तो वो वहाँ पे सब लोग बाहर, पेरेंट्स वहाँ बोलते जा जा जल्दी जा जल्दी जा, मुझे बोलते जल्दी जा, तो मैं गई अंदर, फिर मैंने बोला ओ माय गॉड मेरे लिए गेट खुल गया। फिर वहाँ पे वो बोलते कि बेटा जल्दी आना चाहिए, फिर उन्होंने बोला कि सर एंट्री लेना है क्या, तो बोलते हाँ हाँ आने दो आने दो, थैंक गॉड फिर मेरी एंट्री हो गई थैंकफुली भगवान की वजह से। तो मतलब लक कितना अच्छा, बाहर पापा मुझे बोलते कि सब लोग बोलते कितना अच्छा लक है आपकी बेटी का, एकदम से उसके लिए दोनों गेट खुले, एकदम से मूवी का सीन लग रहा था, मतलब हमारी बेटी हीरोइन से कम थोड़ी। पापा बोलते मैं ऐसा बोल रहा था, तो मैंने बोला वाह कुछ भी मतलब, फिर एकदम ऐसे एकदम इतना ड्रामेटिक सीन था बाप रे। पर जिस तरह एंट्री हुई एंड वहाँ पर मैं इतनी घबरा गई थी, इनफैक्ट वैसे मेरा CVET क्लियर भी हो जाएगा, तो मेरे पेरेंट्स मुझे कौन सा BSc करने देंगे, तो BA BSc साइकोलॉजी का एकदम मना कर दिया मेरे पेरेंट्स ने, सो मैं तो क्या पता नहीं क्यों ही दे दी हूँ एग्जाम, बट हाँ जैसे तैसे दिया। फिर मैं गई अंदर, वहाँ पे सब बोलते बेटा मेरा लक इतना अच्छा रहता है ना एग्जाम में, टच वुड मेरा इतना अच्छा लक रहता है, इतना अच्छा लक रहता है हमेशा, मुझे इन्विजिलेटर्स इतने अच्छे मिलते हैं। मतलब मैंने देखा कि सबका लक अच्छा ऑलमोस्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने नीट में ऐसा हुआ था, मेरी क्लास में एक दीदी थी वो आधार कार्ड लाना भूल गई, एक तो वो लेट आई, फिर वो आधार कार्ड लाना भूल गई, आधार कार्ड भी उन्होंने उनके बैग में रखा था तो ऊपर लाना, फिर उन्होंने नीचे जाने का मना कर दिया, फिर उनके चलते एग्जाम में उनके पीरियड जा गए, वो तो अच्छा इन्विजिलेटर अच्छी थी, बट स्टिल लक, और उनका तीसरा ड्रॉप था, इतना ट्रॉमेटाइजिंग देख कर ही मेरी तो हालत खराब हुई थी उनको, कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मतलब ऑफकोर्स पेन तो कितना ज़्यादा हो रहा है, और बीच में बहुत उनका पेन जो था एनटीए वाला उसकी वो निब टूट गई, बाप रे इतना गंदा लक, मैं तो देख कर ही पैनिक कर गई उनको, कि वो भी रोने रोने लग गई थी, मेरी हालत खराब हुई थी उनको देख कर, तो कि कितना गंदा लक किसी का हो सकता है, बट थैंकफुली टच वुड मेरा तो नीट के इसमें भी बहुत अच्छा था, एंड CVET के इसमें भी बहुत अच्छे इन्विजिलेटर्स मिले सब बढ़िया। और हाँ गैस वर्ड, जिस दिन मेरे चार एग्जाम थे, ओ माय गॉड चार एग्जाम एक दिन में, पहले था केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जीकी सबसे गंदा गया, आई थिंक जीके इज द बैरियर, मतलब ऐसे कि उसको पार करना इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअली CVET के लिए पढ़ा है पूरे 2 साल एंड अच्छे से प्रिपेयर करा है, बट क्योंकि बाकी तो सभी क्लियर कर लेते हैं, बाकी मतलब केमिस्ट्री तुमने बोर्ड्स में पढ़ा होता है, बायो बोर्ड्स में के लिए पढ़ा होता है, एंड इंग्लिश तो मतलब मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, एंड बस GK इज द बैरियर आई गेस, जो ऐसे बढ़ाता होगा रैंक ये सब, पर जिसने पढ़ा है वो कर सकता है। GK का पेपर मुझे टफ लगा क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो कहाँ से ही आता मुझे, बट हाँ बाकी तो इट वॉज वेरी ईजी। केमिस्ट्री अच्छा गया मेरा, केमिस्ट्री तो अच्छा नहीं गया मतलब ओके बायो मेरा बहुत अच्छा गया, बायो तो मतलब आई मीन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, मतलब मुझे तो मैं इसे फुल एक्सपेक्ट कर रही थी, बट हाँ मुझे लगता है आ भी सकता क्योंकि मैंने ज्यादा तो नहीं, मतलब 40 क्वेश्चंस करे तो पूरे एंड सही थे मेरे साइड से, तो मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ मे भी हो सकता है कुछ जल्दी जल्दी मैंने स्टेटमेंट वाला कोई सा गलत कर दिया हूँ, बट हाँ। एंड फिर बाकी इंग्लिश का भी मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब थिंग इज कि मेरा ना मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ली थी, तो मेरे सेट में मेरा सी था, मेरा बी था, तो उसके अंदर था 2 पैराग्राफ पैसेज पीछे साइड थे एंड एक आगे था, तो मुझे लगा एक ही पैसेज आता होगा, मैंने तो सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व कर गई थी इंग्लिश का, इंग्लिश में मैं कुछ भी नहीं पढ़ कर गई थी, बस एंटोनिम सिनोनिम ये सब पढ़ कर गई थी, तो पैसेज एक था, तो मैंने देखा टाइम तो मेरे पास 45 मिनट्स ही रहता है, एंड एक्चुअली मतलब 45 का भी तुम कट करके 20 मिनट्स ही मान लो, उतना ही टाइम तुम्हारे पास रहता है, बाकी इन्विजिलेटर आता है, दुनिया भर की हरकत होती है, OMR भरने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो मुझे तो 5 मिनट लगे थे OMR भरने में, मतलब नीट में बहुत ज्यादा टाइम लगे थे, बट जिसके अंदर मैंने इतनी जल्दी जल्दी OMR भरी ना, क्योंकि मैंने इमेजिन की मैं इतनी जल्दी OMR भी फिल कर सकती हूँ, बट हाँ तो उसके अंदर ऐसा हुआ था मेरा इंग्लिश में, मैंने 5 मिनट में फर्स्ट वाला पैसेज पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, तो मैंने जल्दी जल्दी 10 मिनट में पीछे के ग्रामर क्वेश्चन ये सब करा, जो बाकी था एंटोनिम सिनोनिम बाकी सब वो करा, फिर आखिरी में देखो 2 पैसेज और, मतलब अभी इतने ज्यादा पैसेज आते मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो अच्छा हुआ मेरी स्पीड अच्छी है थोड़ी पढ़ने में, तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, जल्दी जल्दी निपटाया, एंड मेरा एंड गेस व्हाट, मेरा 5 मिनट पहले हो गया था इंग्लिश का पेपर, लोगों का छूट गया, एंड मेरा 5 मिनट पहले हो गया था, मतलब मैंने हुआ नहीं था, मेरा 5 मिनट पहले देखा, मैंने सारे क्वेश्चन करके देखा, तो मेरे 40 क्वेश्चन हो गए थे, तो मतलब आउट ऑप्शन नहीं था ना, मतलब आते तो भी नहीं करती मैं एक्स्ट्रा, तो मतलब मेरा हो गया था 40 मिनट्स के अंदर पेपर इंग्लिश का, मतलब 40 क्या मतलब 20 मिनट्स ही लगेंगे, 10-15 मिनट तुम्हारे से तुम्हारी खुद की एडमिट कार्ड वाली जो OMR में भरना रहता है, तुम्हें सब फिल करना रहता है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें तो, एंड हाँ बहुत केयरफुली फिल करना पड़ता है, रोल नंबर ये सब, एप्लीकेशन नंबर ये सब,
बट हाँ सीयूईटी के एग्जाम देने मुझे मजा आया। इनफैक्ट फर्स्ट डे जिस दिन मेरे 4 पेपर थे मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी भगवान। सुबह 8 बजे से गई मैं, उसके एक दिन पहले जो नानी के घर से आई थी एंड मैं 6:30 उठ गई थी, 2:30 सोई थी एंड पूरा दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतना हेडेक हो रहा था, इतनी नींद आ रही थी एंड एक दिन पहले मैं तक ट्रैवल करके आई थी तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। अरे कहाँ की मैंने इमेजिन वापस, मेरी तो हालत ऐसी डेड हो चुकी थी एकदम कि मैं क्या करूँगी अब। बट थैंकफुली अच्छे गए पेपर है ना, जिस थिंग इज गुड अबाउट मी कि मतलब भले मैं कितने भी ज़्यादा मेंटली या फिर फिजिकली मेरी हेल्थ खराब हो रही हो पर मेरा एग्जाम में मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे, मतलब मुझे आता है तो मैं, पर मेरा फिजिक्स में नहीं हो पाया अच्छे से, मतलब फिजिक्स में मुझे आता था पर मैं कर ही नहीं, फिजिक्स का टफ लगा मुझे, मुझे क्या पता नहीं कि मुझे टफ लगा, टफ नहीं लगा मतलब टाइम इतना कम था और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे, सैम्पल पेपर इतने ईजी ईजी थे उसके, तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था सीयूईटी का, तो मैं उस सैम्पल पेपर सुबह सुबह देख रही मैंने इतना ईजी है तो हो ही जाएगा, बट मुझे जो था पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा टफ लगा क्या पता नहीं क्यों, मतलब टफ नहीं था मतलब बोर्ड्स टाइप के क्वेश्चन थे एंड बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे कि इतना टाइम मिला, एक क्वेश्चन मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व करा तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मुझे इतना आता भी है। बट हाँ मुझे वैसे लग रहा था वो पेपर करने के बाद मुझे 12th फिर से पढ़नी पड़ेगी, अब क्या करूँ पढ़ गया तो बोर्ड्स भी हो गए एंड सीयूईटी भी हो गया, किसके लिए पढ़ूंगी, हो गया मेरा 12th खत्म फाइनली एकदम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं अब। मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो रही है एंड वन मोर थिंग आई एम होम अलोन नाउ, मेरे पापा मम्मा इनको लेने गए हैं एंड मेरा सीयूईटी का एक पेपर बचा है, इसका साइकोलॉजी का पेपर बचा है मेरा, तो उस वजह से आई एम होम अलोन, आई मीन टू प्रिपेयर फॉर दैट, मतलब मैंने आज तक साइकोलॉजी पढ़ा नहीं, मतलब मैंने सिलेबस देखा मतलब कम ही है एंड मैंने ऐसे लेक्चर्स देखे सीयूईटी के तो वो 8 लेक्चर्स हैं कुछ 40 मिनट्स के, तो मैं 2x की स्पीड में देखूंगी 20 मिनट्स में हो जाएगा, तो इवन इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे तो 21 के एक दिन पहले तक तो मेरा सिलेबस आराम से अच्छे से हो जाएगा, बट हाँ आई मीन यू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि मुझे देखने की एक्चुअली किसी एग्जाम के लिए मैं पढ़कर जाती तो क्या मैं वो एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जितने भी एग्जाम्स दिए सीयूईटी के तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा और पढ़कर आती ना तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते, क्योंकि मैंने सब पढ़ा हुआ था, बट आई थिंक इसमें मैंने रिविजन नहीं करा था तो मैं सब भूल गई थी क्योंकि मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, तो मैंने मेरा तो स्टेट बोर्ड था तो मेरे 2-3 महीने पहले मेरे फेब में थे एग्जाम्स बोर्ड्स के, तो अब मैं इतना रिवीजन कैसे, मतलब नीट में भी मैंने 12th का बहुत कम पढ़ा था तो इस वजह से मेरा रिवीजन नहीं था एंड मैं नानी के घर से एक दिन पहले आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं घर पर रहती तो इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती पर नानी के घर तो एकदम ही नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई थी, तो मैं बिना पढ़े इतने एग्जाम्स देकर भी आ गई, बट हाँ अच्छे गए मेरे, आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उतना तो मुझे आता था, तो बट लेट्स सी मैं जो साइकोलॉजी में जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मैं क्या अगर पढ़कर भी एग्जाम निकाल सकती हूँ, मतलब बिना पढ़े तो मैं निकाल नहीं सकती वैसे भी, बट पढ़कर क्या मैं निकाल सकती हूँ, मैं अपना पोटेंशियल देखना चाहती हूँ, इनफैक्ट 3-4 दिन पहले स्टार्ट करने से एकदम जीरो से तो नहीं ही होता है किसी का, बट स्टिल लेट्स सी देखते हैं एंड आई एम होम अलोन टुडे एंड आई रियली वांट टू ब्लॉग टुडे, क्योंकि मैंने इतना प्रोडक्टिव दिन था आज का मेरा, मतलब मैंने सुबह में उठी तो बहुत लेट बट स्टिल आई सेव्ड द हाफ डे एज वेल, बट स्टिल आई सेव्ड द हाफ डे, तो मतलब मैं उठी कितने 1 बजे, हाँ फिर पापा का कॉल आया कि मुझे तो निकलना है, तो मैंने बोला शिट, तो मैंने फटाफट से लंच बनाया, मैंने सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई, मैंने चपाती से एकदम से गोल गोल अच्छी नहीं बनी बट वो, बट सब्जी बहुत अच्छी बनी, आई एम वेरी गुड एट कुकिंग सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड, तो फिर सब्जी बहुत अच्छी बनी, फिर मैंने रोटी बनाई, फिर मैंने हाँ फिर पापा को खाना दिया, सर्व करा एकदम से लीजिए पापा एंड फिर पापा ने खाया, फिर पापा चले गए, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने वीडियो अपलोड करा, फिर मैंने वीडियो अपलोड करा, फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, मैंने अपने कपड़े धोए, मतलब वॉशिंग मशीन लगाई, फिर मैंने अपना क्या, फिर मैंने प्लांट्स में पानी दिया जो कि आज तक मैंने करा नहीं होगा, इनफैक्ट पता है मैं अपने घर में रहती हूँ एंड मेरे घर पे ऐसा था टेरेस पे वॉशरूम बनाया है एंड वो कब से बन गया, 6-7 महीने हो गए एंड मैं अभी तक टेरेस पे नहीं गई थी 6-7 महीने से, मतलब टेरेस पे मैंने वो वॉशरूम आज पहली बार देखा, मैंने अंदर से पान वो इतना सुंदर वॉशरूम है, मैंने से टेरेस के हिसाब से इट्स नाइस, तो मैंने पहली बार देखा वॉशरूम कि वाओ इतना बढ़िया वॉशरूम, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात, तो हाँ मुझे नानी के घर लेकर जाने वाले थे क्योंकि मेरी कज़िन ने क्या हरकत करी है, आई विल नॉट टेल यू क्योंकि थोड़ा पर्सनल है, बट उस वजह से मुझे उससे मिलने जाना था, बट द थिंग इज़ कि मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, 2 दिन से एग्जाम दे रही थी एंड मैं अभी भी अचानक चली जाती तो बहुत ज़्यादा मेरे एकदम से हेक्टिक हो जाता, तो मैं नहीं गई नानी के घर एंड मेरे मम्मा पापा इनफैक्ट कल आ भी जाएंगे तो कोई फायदा भी नहीं था मेरे जाने का, तो एक दिन में मैं क्या ही कर लूँगी घर में अकेले भी, तो मैं अलोन आई मीन टू कॉल माई फ्रेंड वो आएगी नाइट स्टे के लिए क्या एंड हाँ फिर हम दोनों साथ में रहेंगे एंड यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, ये सीयूईटी का एक छोटा सा ब्लॉग था एंड मेरी बकबक ज़्यादा थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय पॉडकास्ट एज सून एज पॉसिबल क्योंकि मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड इनफैक्ट अब मैं देहरादून घूमने जा रही हूँ तो मैं कहाँ से मुझे टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट टू नाइट नॉट टुमारो, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट टू नाइट, लेट्स सी आई एम गोइंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना है साइकोलॉजी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई विल फिल्म अ ब्लॉग एज वेल, लेट्स सी मैं क्या करती हूँ, माय गॉड आई एम सो स्कैर्ड साइकोलॉजी पढ़ने के लिए भी, बट हाँ देखते हैं कैसे होता है कैसे स्टार्ट करती हूँ मैं एंड बाकी
हाँ बाकी सब तो हाँ दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन टिल देन बाय बाय मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम स्नैपचैट एंड ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सेड ऑल ऑफ दिस बट यस बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय